रजब इस्लामी कैलेंडर के हुर्मत वाले महीनों में से एक है, जिसे रजब उल मुरजब भी कहते हैं। गुजरते हुए वक्त के साथ इस माह में इबादत के तरीके रिवाज पा गए, यानी और तरीके भी आ गए। बिल्कुल ऐसे ही होता है ना कि जब हम खाना खाने लगते हैं तो एक मेन मील होता है और उसके साथ तरह तरह की चटपटी चीजें और भी लवाजमात हम शामिल कर लेते हैं। तो इसी तरह जब एक बिदत शुरू होती है तो फिर वो एक तक नहीं रुकती, बल्कि उसके साथ साथ और भी बहुत से काम शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अल्लाह की तरफ से जो दीन आता है बंदे के लिए, उस पर तो बंदा मुतमईन हो जाता है, वो थोड़ा भी काफी हो जाता है। लेकिन जब इंसान खुद से कोई दीन ईजाद करने लगता है और फिर हर शख्स दीन को अपने हाथ में ले लेता है, तो फिर उसकी कोई हद नहीं होती, आप कहीं पर स्टॉप नहीं लगा सकते। न सिर्फ ये कि दौरे जाहिलियत में, बल्कि दौरे इस्लाम के बाद भी जब दीन की तालीमात आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर से कम होना शुरू हुई और बहुत सी बिदात ने रवाज पा लिया, तो फिर मुसलमान होते हुए भी लोग इस महीने को बहुत मुअज्जज़ और मोहतरम करार देते और उसमें इबादत के खुद साख्ता तरीके उन्होंने राज कर दिए, जो कि असल सुन्नत से साबित नहीं। बाज लोग इस माह में खुसूसी नमाज सलातुर रगाइब पढ़ते हैं। रजब के पहले जुमा की रात को 12 रकात 6 सलाम से पढ़ी जाती, जिसमें सूरत इखलास के बाद हर रकत में 3 मरतबा सूरत अल कदर पढ़ी जाती है। ये बिदअत 4वीं सदी में शुरू हुई, जिसकी कोई असलियत नहीं। इमाम इब्ने तैमिया लिखते हैं कि तमाम उलमा ने इजमा के साथ इस नमाज को मौजू यानी मनघड़त करार दिया है, यानी इसकी कोई असल नहीं है दीन में। दीन तो मुकम्मल हो चुका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे और उसमें कभी भी ये नहीं मिलता कि आपने कोई मखसूस सूरत ही पढ़ी हो और फिर उसमें ये कि हर रकत में वो सूरत 3 बार पढ़ी हो, जैसे सूरत इखलास और उसके बाद हर रकत में 3 मरतबा सूरत अल कदर पढ़ने का लिखा है। और कई लोग बड़ी पाबंदी के साथ इसको पढ़ते भी हैं और फिर इसके साथ बहुत सी मनगढ़ंत किस्म की फजीलतें और फायदे भी मंसूब कर दिए गए हैं। तो इस्लाम में इसकी कोई हकीकत नहीं, न कुरान में इस नमाज का जिक्र है, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज की ताकीद की है या तलकीन, और ना ही इसका वजूद है किसी भी हदीस या फिक्ह की किताब में। ये सरासर लोगों ने खुद घर ली। इबादत का सिर्फ वही तरीका पसंदीदा है, इबादत वही काबिल कबूल है जो अल्लाह और उसके रसूल की अथॉरिटी के साथ हो, उनके हुक्म के मुताबिक हो। खुद से इबादत के तरीके ईजाद करना अल्लाह की अथॉरिटी में या अल्लाह के हुक्म में दखल देना, और ये इंतहाई गलत चीज है कि जिस काम के लिए हम एंटाइटल्ड ही नहीं, जो हमारा काम ही नहीं, उसमें इंटरफेरेंस कैसी। इबादत के तरीके बताना सिर्फ माबूद का काम है, आबिद का काम नहीं। आबिद बंदा गुलाम तो सिर्फ पैरवी करेगा, इताअत और फरमाबरदारी करेगा, वो खुद से वो कानून नहीं बनाएगा। तो इस चीज की किसी को भी इजाजत नहीं। तो हम सबको इसके बारे में बेहद मोहतात रहना चाहिए और दीन के नाम पर, इबादत के नाम पर सवाब की खातिर किया जाने वाला कोई भी काम जब भी हम शुरू करें तो जरूर ये सोचें कि क्या इसकी कोई दलील कुरान में है, क्या ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, क्या ये अजर जो बताया जा रहा है वाकई हकीकी मानों में इसका कुछ वजूद है या सिर्फ एक झूठ गढ़ लिया गया है। इस तरह की चीजें दीन में शामिल करना और फिर उनकी पाबंदी करना और एक खास रात में या खास दिन में या खास तरीके पर, ये सब चीजें दीन में दखल अंदाजी है और ये नापसंदीदा है। आप सोचिए कि अगर आप मसलन कहीं पर कोई कानून बना रहे हैं या पॉलिसीज बना रहे हैं या किसी भी किस्म का कोई डिसिप्लिन काम कर रहे हैं और एक वो शख्स जिसका उससे कोई ताल्लुक नहीं मामले से, वो बीच में आकर अपनी एक क्लॉज डाल दे, अपनी तरफ से कोई चीज लोगों को उसकी पाबंदी करवाना शुरू कर दे, तो ये जुर्म होगा। एक ये दूसरे की टेरिटरी में मुदाखलत होगी कि आपको जिस काम पर अपॉइंट नहीं किया गया, या फिर ये कि मसलन अगर किसी को किसी खास कानून की पाबंदी करवाने के लिए कहा गया और वो उस कानून के साथ कुछ और कानून अपनी तरफ से भी शामिल कर दे जिसकी उसको इजाजत न हो, उसके पास कोई अथॉरिटी न हो, कोई सनद न हो, तो ये तरीका इंतहाई मायूब है। तो दीन के मामले में भी हमें नहायत समझदारी से काम लेना चाहिए और दीन को बस उतना ही रखना चाहिए कि जितना वो है या जितना हमें दे दिया गया है। अगर हम कुछ चीजें अपनी तरफ से शामिल करेंगे तो ऐसा करना दीन को बोझल बनाना होगा, मुश्किल बनाना होगा और लोगों के लिए जिंदगी को दूभर करने के मुतरादिफ होगा, और ये इंतहाई नापसंदीदा बात है क्योंकि हमारे लिए उतना ही दीन काफी है जितना हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया। उसकी पाबंदी भी हम पे बड़ी भारी होती है, कहां ये कि हम एक्स्ट्रा चीजें शुरू कर दें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साल 12 महीनों का है जिनमें से 4 हुर्मत वाले हैं, 3 पैदर पैर यानी एक के बाद एक, और वो क्या है, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम, और रजब जो जमादुल आखिर और शाबान के दरमियान है। ये सही बुखारी की हदीस है। तो इससे पता चलता है कि
महीनों की तादाद और महीनों की गिनती जो है ये अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाई है और इनमें से चार को हुर्मत वाला बनाया है। हुर्मत वाले का मतलब क्या है? एहतराम वाल, काबिल एहतराम, कि जब ये महीने शुरू हो तो किसी किस्म की लड़ाई झगड़ा फसाद न किया जाए, कत्लो गारत न की जाए, हर तरफ अमन अमान हो,